हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसी जिसमें कोई भी मास्टर डिग्री कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री किया है, फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई आप कर सकते हैं। किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं तो सैलरी काफ़ी अच्छी आपकी रहने वाली है, लेवल 10 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी। ग्रुप ए की वैकेंसी है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट में वैकेंसी है और आप किस में आवेदन कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है आवेदन करने की। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन है जिसमें स्टार्टिंग जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 31/8/2024 से, यानी कि आवेदन पहले से स्टार्ट हो चुके हैं, और अंतिम डेट जो है 27/7/2024 है। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ही आवेदन करना है। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप आवेदन करेंगे। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपको रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट जो करनी है तो 4 अक्टूबर 2024 तक कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को 27/7/2024 से पहले फिल कर लेना है। तो इसमें जो है कई पोस्ट हैं जिसमें वैकेंसी आई है, हम यहाँ पर केवल उन्हीं वैकेंसी की बात करेंगे जिसमें केवल मास्टर डिग्री मांगा गया है। ठीक है, लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है बट इसमें जो है एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ये देखें, नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो वैकेंसी है इसमें कोई अनुभव नहीं चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है तो 4 वैकेंसी हैं जिसमें 3 अनरिजर्व कैटेगरी की है और 1 ओबीसी की है। स्केल ऑफ पे काफ़ी अच्छा रहेगा, लेवल 10 के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, तो 90,000 से अधिक ही सैलरी इसमें बनेगी। एज लिमिट जो है 35 ईयर है, 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आयु सीमा में छूट जो है कैटेगरी वाइज इसमें दी गई है नोटिफिकेशन में, लेकिन यहाँ पर SC ST का कोई पद नहीं है। तो जनरल कैटेगरी OBC की आयु सीमा 35 ईयर रहने वाली है। क्वालिफिकेशन इसमें क्या कहा गया है तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी ये तो होनी ही चाहिए। मास्टर डिग्री आपकी एनी डिसिप्लिन किसी भी सब्जेक्ट से हो, लेकिन 55% मार्क्स के साथ में। पीरियड ऑफ प्रोबेशन तो परीक्षा काल जो है आपका 1 साल का रहेगा, प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे, उसके बाद जो है परमानेंट कर देंगे। वैकेंसी जो है कहाँ से जारी हुई है, वैकेंसी विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागपुर से है। 30 अगस्त 2024 का नोटिफिकेशन, नॉन टीचिंग ग्रुप ए पोजिशन। इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार का मैंने आप लोगों को बताया, पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी। 4 पोस्ट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की 3 है, ओबीसी की 1 है। अपर एज लिमिट 35 ईयर है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा इसमें सिलेक्शन रहेगा, एक एग्ज़ाम रहेगा बस और सीधा सिलेक्शन। इसमें रजिस्ट्रार की भी वैकेंसी है और लाइब्रेरियन की भी है, तो इसमें जो है काफ़ी अनुभव मांग रहे हैं। पे लेवल 14 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी रहेगी, इसमें और भी अधिक सैलरी रहेगी 1 लाख से ऊपर। और इसमें अपर एज लिमिट भी 56 ईयर है दोनों में ही, एक एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की। तो आप जो है इसमें देख सकते हैं अगर कोई कैंडिडेट आवेदन करने के इच्छुक रहेंगे तो। मैंने आपको बता दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करनी है आप लोगों को और ऑफलाइन मोड में भी भेजना है। 27 सितंबर ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट है और ऑफलाइन मोड में आप 4 अक्टूबर 2024 तक भेज सकते हैं बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के द्वारा। ठीक है, एक बार आप लोगों को बता देती हूँ कि लाइब्रेरियन और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं। ये जब आप भेजेंगे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट तो ये एड्रेस रहेगा, द रजिस्ट्रार विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर साउथ अंबाजरी रोड नागपुर 44010 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही जॉब लोकेशन रहेगी आप लोगों की। और किस पोस्ट के लिए भेज रहे हैं तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या और भी कोई पोस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है रजिस्ट्रार के लिए ये भी ग्रुप ए की है और लेवल 14 के अकॉर्डिंग सैलरी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन इसमें मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए और इसमें एक्सपीरियंस जो है काफ़ी मांग रहे हैं, 15 साल का। लाइब्रेरियन के लिए इसमें भी मास्टर डिग्री,
लाइब्रेरी साइंस में, और इसमें भी 10 साल का अनुभव। तो बिना अनुभव के आप अप्लाई करें असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। अब देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो वहाँ करियर सेक्शन पर क्लिक करना है, और करियर सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नॉन टीचिंग कैडर स्टाफ रिक्रूटमेंट, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया जाएगा। लेफ्ट साइड में करियर सेक्शन आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। नॉन टीचिंग कैडर पर आप क्लिक कर लेंगे और उसके बाद जो है फर्स्ट आपको लाइन दिख रही है रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग ग्रुप ए पोजीशन, बस इस पर क्लिक कर लेना है, पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। ठीक है, बाकी और भी जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अप्लाई करने से पहले आप खुद से जो है ज़रूर पढ़ें, पूरा पढ़ें जब भी आप अप्लाई करते हैं कहीं के लिए। इसमें एप्लीकेशन फीस जो है कितनी है तो वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, और फीस SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट की कोई फीस नहीं है। तो जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है उसमें SC ST PWD तो इनकी वैकेंसी भी नहीं है। फीमेल कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल कोई फीस नहीं देनी है, अप्लाई करें बिल्कुल। और अनरिजर्व कैटेगरी OBC EWS इनकी जो है फीस है 1000 रुपीज़। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ग्रुप ए की वैकेंसी है।